नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है मेरे चैनल की ऐसी सीरीज, जहां पर मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जो आप आज से पहले नहीं जानते और वीडियो देखने के बाद आप जान जाते हैं। आपका मनोरंजन बढ़ता है और आपको कुछ नई जानकारी भी मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स। हम सभी जानते हैं कि iPhone 10 बहुत ही महंगा मोबाइल फोन है, बहुत महंगा स्मार्टफोन है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। पर आप क्या जानते हैं कि इस फोन का सबसे महंगा पार्ट कौन सा है? IHS मार्केट ने एक एनालिसिस किया, एक चीजों को देखा, परखा, जाना, और उनके हिसाब से iPhone 10 का सबसे महंगा पार्ट है उसकी स्क्रीन। जी हाँ, OLED की जो स्क्रीन है उसकी, वो सबसे महंगी है, $110 की, जो कि पूरे फोन में सबसे महंगा पार्ट है। इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जान गए, महंगी इतनी स्क्रीन है, इतने का तो फोन आ जाता है हमारे यहाँ। नहीं, कोई हमसे ये पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया है, तो हम खुले मुंह से बोलते हैं कि भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का तो खैर यही मानना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये पता लगाया था कि जो बिजली कड़कती है वो सही मायने में इलेक्ट्रिसिटी होती है। उन्होंने एक पतंग उड़ाई थी, उसमें कील लगा के, चाबी लगा के, जो भी लगा के उड़ाई थी, तो ये बात उन्होंने पता लगाई थी, इसका इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था आप कह सकते हैं। लेकिन उनसे पहले भी बहुत सारे खुदाई में, मलबों में जो भी पुरानी चीजें मिली हैं, उसमें एक पॉट की बैटरी भी मिली है, जी हाँ, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन से काफी पुरानी है। इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उनसे भी पहले हुआ करती थी प्राचीन काल में, और उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं किया, लेकिन इस फेनोमेना का उन्होंने ये इजाद किया, डिस्कवर किया कि जो बिजली कड़कती है वो बिजली ही होती है और कुछ नहीं होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके बारे में आप मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊं, ECG। आपने देखा होगा जब हीरो को चोट लग जाती है, वह मरने वाला होता है, तो उसकी ऐसे ऐसे लाइन चल रही होती है, टी 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 टी। असल में वो जो लाइनें होती हैं वो आपके हर्ट, हमारा दिल, हमारे शरीर में भी पल्सेज होती हैं। पता है आपको, बिजली की पल्सेज होती है, इलेक्ट्रिकल पल्सेज होती हैं, उसी को मेजर करके हमारे दिल की धड़कन वो लाइन बनती है, राइट? तो ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि हमारे दिल में, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये पल्सेस इतनी वीक होती हैं कि इससे आप बल्ब नहीं जला सकते। लेकिन हाँ, इससे आप अपने हर्ट की मूवमेंट को देख सकते हैं, और जो भी आप देखते हैं ECG में, जो भी वो ग्राफ बनते हैं, पेपर पे भी बनते हैं, स्क्रीन पर भी आप ECG देख सकते हैं, तो वो आपके हर्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की मदद से देख सकते हैं। हमारे शरीर में भी बिजली है। क्या आपको पता है कि यूथोपिया में 1896 में इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी? मतलब 1896 के बाद में लोगों के घर में बिजली आई थी। कैसे? उनके यहां जो एम्परर मेनेलिक है द्वितीय, वहां के राजा, या जो भी आप कह सकते हो शहंशाह, उन्होंने बाहर गांव से, मतलब बाहर दूसरे देशों से, दो ऐसी चेयर मंगवाई जिसमें लोगों को बिठा के बिजली के करंट दिए जा सकते हैं। वो बड़ा क्रूर राजा था, जब उसको पता चला कि ये जो हमने मंगाई है चेयर, ये बिजली से चलती है और हमारे देश में तो बिजली नाम की चीज ही नहीं है, तब उन्हें पता चला कि भैया बिजली भी होनी जरूरी है। बाद में उन्होंने बिजली इंट्रोड्यूस कराई और शायद उस चेयर का इस्तेमाल किया होगा। वैसे आप जानते हैं कि पहले पुराने काल में क्या होता था, सजा देने की बड़े अलग अलग तरह के तरीके होते थे, गर्दन काट देते, चूहे छोड़ देते थे, जला देते थे, भून देते थे, वैसे बहुत सारी चीजें होती थी। ये टेक्निकल चैनल है, इतिहास का चैनल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि 1896 में इथियोपिया में इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। बेंजामिन हैरिसन 23वें प्रेसिडेंट थे US के, और उनके कार्यकाल में ही व्हाइट हाउस में इलेक्ट्रिसिटी आई थी। जी हाँ, बिजली आई थी व्हाइट हाउस में, लेकिन ये प्रेसिडेंट इतने डरते थे कि ये अपनी लाइट और फैन भी खुद से बटन से ऑन नहीं करते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि उन्हें बिजली लग जाएगी और वो मर जाएंगे। मैं आपको बता दूं मेरे गाँव का एक किस्सा, मेरे गाँव में जब बिजली पहली बार आई थी, काफी पुरानी बात है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि लोग बल्ब ऑन करने से भी डरा करते थे, क्योंकि उस गाँव, हमारे गाँव में एक दो बुजुर्गों को बड़ा तगड़ा झटका लगा था। उसके बाद से कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती थी तो स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता था, जो हमारे गांव का इलेक्ट्रिशियन होता था, वो सारे बटन ठीक किया करता था। तो पहले जो भी नई चीज आती है उसको लेकर बहुत डरते हैं, वैसे डरना भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक चीज है, उससे खेलना कभी नहीं चाहिए। क्या आपको पता है कि पहला लेजर प्रिंटर जेरोक्स ने बनाया था 1969 में, जो कि उनका पुराना फोटोकॉपियर था, मॉडिफाई करके उसी को एक लेजर प्रिंटर जेरोक्स कंपनी ने बना दिया था। तो जेरोक्स कंपनी ने 1969 में बनाया था पहला लेजर प्रिंटर। आए दिन हमारी प्राइवेसी में लोग घुसते रहते हैं, चाहे वो छोटे छोटे लोग हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हों, फिर उनके CEO जैसे फेसबुक के CEO जाते रहते हैं, लोगों को जवाब देते रहते हैं, पेपर में खबर छपवाते रहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई भैया। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी एक रिसर्च से बात साबित आई है कि जितने भी लोग कैमरा के सामने पीस का साइन दिखाते हैं, उनकी प्राइवेसी, उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है।
अब आप मुझसे कहेंगे भैया उंगली का निशान ऐसे पीस दिखाने से कौन सी प्राइवेसी थेफ्ट होगी। आजकल आप जानते होंगे बायोमेट्रिक्स का ज़माना है और ऐसे कैमरेज भी बने हैं जो बहुत दूर से भी आपकी उंगली के एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट कैप्चर कर सकते हैं। और ऐसे ही फिंगरप्रिंट अगर कहीं ऊपर 3D प्रिंटिंग से या किसी भी और टेक्नोलॉजी से बना दिए जाएँ तो बेसिकली वो उस सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सकता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी का कंसर्न है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ये आइडिया मैंने इसलिए दिया है ताकि आप इसको बचा सके, आगे चलकर आप में से ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिससे यू नो लोगों को सिक्योरिटी के मामले में बचाया जा सके। इस चीज को बताने का मेरा कोई खराब मोटिव नहीं था। वैसे हमारे यहाँ ऐसे कैमरे हैं भी नहीं, मतलब किसके पास होता है कैमरा 2 किलोमीटर दूर से उंगली खींचे। बस मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि ऐसी चीज भी है। अटैक्स ऑफ द क्लोन्स, ये मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। ये पहली मूवी है हॉलीवुड की जो कि HD कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी, मतलब HD कैमरा से पहली कोई मूवी बनी थी वो 2002 में बनी थी, अटैक्स ऑफ द क्लोन। आप कैमरा शब्द का मतलब नहीं जानते होंगे, कैमरा ऑब्सक्यूरा, इस वर्ड से ये आया है, ये लैटिन वर्ड है कैमरा ऑब्सक्यूरा, जिसका मतलब होता है डार्क चैम्बर। आप जानते होंगे जब कैमरा का आविष्कार हुआ था तो एक डार्क चैम्बर हुआ करता था, इतना बड़ा सा काला था, उसमें ओढ़ के रखते थे, मतलब एक मशीन होती थी उसमें एक ऐसा लिबास सा, एक क्या बोलते, कपड़ा ओढ़ के रखते थे, उसके अंदर अंधेरा होता था और वहाँ जो सामने से लाइट होती थी और उससे फोटो ली जाती थी और वो धीरे धीरे डेवलप की जाती थी, एक डार्क चैम्बर हुआ करता था, उसी से उसका नाम कैमरा पड़ा। और अभी तो कोई भी डार्क चैम्बर नहीं है, अभी तो इतने से कैमरे होते हैं, लेकिन आज भी उसका नाम कैमरा है जिसका लैटिन शब्द लिया गया है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है डार्क चैम्बर, अंधेरे वाला चैम्बर। क्या आपको पता है कि फोटोशॉप किसने बनाया था? फोटोशॉप बनाया था नॉल ब्रदर्स ने 1987 में इमेज प्रो नाम के सॉफ्टवेयर के नाम से, मतलब ये जो फोटोशॉप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ये 1987 में बन गया था, इसका नाम था इमेज प्रो। बाद में एडोबे ने इसे खरीद लिया और अभी जो आप फोटोशॉप देख रहे हैं वो इमेज प्रो का ही एक आगे का वर्जन है, मॉडिफाइड, एडवांस्ड, लेटेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि शाओमी के फोन लॉन्च होते ही बिक जाते हैं, आपको पता है कि जब शाओमी ने MI 3 फोन लॉन्च किया था तो 2 सेकंड में इंडिया में 15,000 फोन बिक गए थे, सिर्फ 2 सेकंड में 15,000 फोन। मुझे नहीं लगता इतना फोन कोई तेज बिक सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब ये लॉन्च हुआ था तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट अगर कोई लोगों के लिए स्मार्टफोन माना जाता था तो वो Xiaomi का Mi 3 ही माना जाता था ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखा जाए तो। और ये तो कुछ भी नहीं है, 2014 में तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया Xiaomi ने, 2014 में एक दिन में 2.1 मिलियन स्मार्टफोन बेच दिए, इतने ज्यादा फोन। शायद आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन Xiaomi के फोन्स चाइना में एप्पल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जी हाँ, Xiaomi चाइना का एप्पल है। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ एप्पल के फोन ट्रीट किए जाते हैं, US में एप्पल के फोन ट्रीट किए जाते हैं, ऐसे ही चाइना में Xiaomi के फोन ट्रीट किए जाते हैं। जितना पॉपुलर एप्पल ब्रांड यहाँ पर है और अमेरिका में है, इतना ही पॉपुलर चाइना में Xiaomi है, तो वहां का ट्रस्टेड ब्रांड है Xiaomi। आशा करता हूं आपको टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स पसंद आए होंगे, आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा, आपकी जानकारी जरूर बढ़ी होगी टेक्नोलॉजी को, और आप नजदीक से समझ पाए होंगे, आपको मजा भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं, और भी बहुत सारे तरह की वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।